ओम कं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देवतुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर अपने पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी अवश्य करें। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, जिन्हें कनागत भी कहा जाता है, यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह संसार में ही भटकते रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर के पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितर उनसे प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृ दोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृ दोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय पितृपक्ष में रोजाना करना चाहिए क्योंकि यह 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, लेकिन अगर रोजाना ना कर सके तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें। यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय करने के लिए अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें। दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भरें और इस दिए में थोड़े से काले तिल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें आटा साफ मढ़ा होना चाहिए और आटे में नमक भी नहीं होना चाहिए।
दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके घर के दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह बन रहा है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोने को साफ करके वहां पर इस दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को रखें। लेकिन ध्यान रखें, दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती है यानी कि लौ है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी कि दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे जमीन पर ना रखें, दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें। सीधे जमीन पर दिया ना रखें, सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान जी से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी माला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड के दौरान इस उपाय को ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है परिवार का कोई एक सदस्य ही रोजाना करे, इसे परिवार में कोई भी कर सकता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें, इस उपाय को घर की बेटियां बहुएं भी कर सकती हैं। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृ पक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। पितृ पक्ष में प्याज लहसुन मीट अंडा तंबाकू सिगरेट शराब इत्यादि चीजों का भूलकर भी सेवन ना करें। और यह दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। अगर आप किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और के घर में आप इस दिए को अपने पितरों के नाम से ना जलाएं। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदें। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए। पितृपक्ष में गायों ब्राह्मणों कुत्तों चींटियों बिल्लियों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसादन की चीज लगाने से बचें। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े ना करें, प्रेम से रहें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपने दिया चावलों पर रखकर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए को भी आप पक्षियों को डाल दें। अगर मिट्टी या पीतल का दिया इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।